सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग विद यू ऑल. सो टुडे वी आर गोइंग टू अ प्लेस इन कराची विच इज़ लाइक कॉल्ड द हिस्टोरिकल प्लेस. और मैं आपसे ये फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि एज आई एम बॉर्न इन कराची बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग दैट हिस्टोरिकल प्लेस. सो रेस्ट रिवील तो वो प्लेस है द टूम ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जाके वहाँ देखेंगे और आपको रास्ते में दिखाएंगे कायद आज़म के मज़ार जा रहे हैं, टूम ऑफ कायद आज़म, और वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है. बने रहिएगा आगे. सो गाइज, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. हम कायद आज़म के मज़ार, टूम ऑफ कायद आज़म पहुँच गए हैं. और सॉरी फॉर द मास्क बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना. और आप भी रेसिपीज का ख्याल रखें, प्रिकॉशंस का ख्याल रखें. तो लेकिन हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, कायद आज़म के मज़ार में. अभी ये उसका पूरा गार्डन है, ये देखें मेरे पीछे ये जो पूरा गार्डन है. अभी मैं चल रहा हूँ सीधा, मैं आपको दिखाऊँगा जैसे ही वो पहुँच जाएगा. बस हमारे साथ रहिए और बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है. गाइस ये देखें, अभी हम आगे, ये देखें ये ऊपर चढ़ने जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं. ये अभी सारा गार्डन है, ये जो टूम्ब ऑफ कायद आज़म है. यानी मैं आपको अगर इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ तो ये कायद आज़म की जब डेथ हुई थी 11 सितंबर को, तो फातिमा जिन्ना जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने बनवाया था. और बहुत सारे, आप मानेंगे नहीं, हमारे पाकिस्तान के फाउंडर के लिए बहुत सारे जो हैं वो आए थे, बहुत डिज़ाइन आए थे टूम के अलग अलग कंट्री से. बट फातिमा जिन्ना सिलेक्टेड द डिज़ाइन ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया. और ये फिर इंडिया के डिज़ाइन से बना था, संगमरमर से, वाइट कलर के. आगे जाके अभी आपको पूरा दिखाएंगे. और ये देखें गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं. टूम ऑफ कायद आज़म हमारे सामने है बिल्कुल, ये देखें. और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो है मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया. तो मैं वही कह रहा हूँ कि कायद आज़म के टूम की बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ मेरी आंखों से एक्सपीरियंस कीजिए. और हमारे साथ बने रहिए कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी यहाँ की लोकेशन दिखाऊँगा. तो आप यहाँ की फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं, वीडियोज़ भी बना सकते हैं. आजकल टिकटॉक बहुत फेमस है, टिकटॉक पर भी आप आ सकते हैं यहाँ बनाने. और आगे मिलते हैं. सही है गाइस, दूर से बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा रास्ता है. देखिए वहाँ से ट्रैवल करके अभी तक यहाँ पहुँचा, अभी भी वहाँ पर है वो. ये देखें ऊपर जा रहे हैं मेरा भाई, भाई पूरी फैमिली आई हुई है तो साथ आए. बस पूरा दिखाएंगे हम आपको आज कायद आज़म का, पूरा विजिट कराएंगे कि कायद आज़म का टूम बना कैसा. देखिए मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे नहीं पता था यहाँ पर, देखें चप्पलियाँ उतार के मज़ार के अंदर जाना पड़ता है. सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि देकर जाए. ये देखें हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं. ये देखें, ये रहा पीछे कायद आज़म का मज़ार. जा रहे हैं हम तो अभी यहाँ पर, बहुत अच्छा है. देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पूरा फर्श बना हुआ है. और बैक कैमरा से मैं आपको दिखा, ये देखें संगमरमर की पूरी टाइल्स की जो है, ये देखें सीढ़ियाँ बनी हुई है. ये देखें और ये सीढ़ी के बाद जो है ये आता है कायद आज़म का मज़ार. ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखें. तो अभी आप बताएं, जैसे कि आज मैं यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस पे आया हूँ, कायद आज़म का मज़ार जो है वो बहुत करीब से देखें. अगर आप करीब से देखें तो इट्स वेरी लार्ज, इट्स लाइक अ जायंट प्लेस. ये देखें करीब से देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, दूर से देखें तो ऐसा लगता है छोटू सा होगा, लेकिन करीब से बहुत ज़्यादा बड़ा है ये. हाँ, और यहाँ देखें जो हम ड्राॅइंग्स में बनाते हैं उसका गेट जो छोटा सा बनाते हैं, वो गेट ही देखें कितना बड़ा, बहुत बहुत प्यारा बना हुआ है, हसीन बना हुआ है बहुत. और ये तो अभी नया बना है, इट्स इसकी रेनोवेशन हुई है, वरना ये पहले ऐसा नहीं था. सो गाइस, ये कायद आज़म का जो है वो ग्रेव है, इसको मैं करीब से दिखाता हूँ. लेकिन ये देखिए झूमर, देख रहे हैं आप ये वाला, ये 424 कैरेट रियल गोल्ड है जो कि यहाँ इसको गिफ्ट हुआ था. तो ये आप लोग के लिए एक तरह से क्विज का सवाल है कि आप लोग को मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना है कि ये जो झूमर है ये किस कंट्री ने गिफ्ट किया था कायद आज़म के मज़ार के लिए. ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो देखें, और ये देखें नेवी ऑफिसर्स हैं, इसकी सिक्योरिटी के लिए नेवी ऑफिसर्स आए हैं सिक्योरिटी के. गाइस अभी हम नेवी ऑफिसर के पास जा रहे हैं आज सिक्योरिटी के लिए, तो उनसे पूछते हैं
तो अभी जा रहा हूँ मैं पूछने। ये बता सकते हैं आप जो यहाँ से नीचे जाने का गेट है वहाँ से है? भैया बड़ा मुश्किल कर रहा था जी, सही। थैंक यू। देख लिया आपने, देखा यहाँ। सो गाइज, ये जो है जैसे कि मैंने आपसे कमेंट में पूछा था लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अ ब्यूटिफुल शैंडलियर गिफ्टेड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज इंस्टॉल्ड इन दिसंबर 2016। प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एच ई मिस्टर ममनून हुसैन inaugurated the installation of chandelier on 17th December 2016। और उर्दू में ये लिखा हुआ है, अवामी जमहूरिया चीन की तरफ से तोहफा पेश किया गया ये नया फानूस दिसंबर 2016 में आवेज़ा किया गया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन ने 17 दिसंबर 2016 को फानूस की तस्नीफ का बाज़ाब्ता इफ्तिया फरमाया, ये लिखा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा।